हेलो सर, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल डीजे व्लॉग में। मैं हूं अशोक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए लेके आया हूं यहां पे ये लाइनरे। बेसिकली दोस्तों, ये जो लाइनरे है अभी आप देख सकते हैं फेटल प्रो के, मैं आज आपको पूरी फिटिंग दिखाने वाला हूं। स्पीकर कैसे होने वाला है पूरी डिटेल हम जानेंगे। तो यहां पे अगेन आप देख लीजिए, फेटल प्रो है और सबसे अच्छी बात ये मेड इन इटली प्रोडक्ट है। बहुत मज़ा आने वाला है आज की इस वीडियो में, पूरी फिटिंग भी देखेंगे और एग्जैक्टली इनका जो परफॉर्मेंस है बहुत मज़ा आ जाएगा। दिल खोल के आज टेस्टिंग करेंगे। दूर तक आप बोलते थे लाइनरे की टेस्टिंग, दूर तक हम करके दिखाएंगे और बने रहना, पूरी की पूरी जानकारी रहेगी। हाँ, कैसे हम फिट कर रहे हैं, क्या एचएफ लगा रहे हैं। एचएफ भी एक्चुअली हम यहाँ पे फेटल प्रो ही यूज़ कर रहे हैं, तो सारी जानकारी आपके इस वीडियो में हो जाएगी। अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं वीडियो की तरफ, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी स्पीकर की बॉक्स पैकिंग बहुत ज़्यादा सिंपल सी है। यहाँ पे अगेन ये पेपर टेप लगा रखे है जिसपे फेटल प्रो मेंशन है, मेड इन इटली प्रोडक्ट है। बेसिकली दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 12HP 1020 यहाँ पे मेंशन है। इसके अलावा कुछ यहाँ पे डिटेल्स भी आपको मेंशन रह जाती है। ये एटम्स का है, पुश 1400 वाट यहाँ पे मेंशन है। इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इम्पोर्ट एंड मार्केटेड बाय यहाँ पे आप देख सकते हैं एरोन्स इंडिया आपको मेंशन रहेगा। ओवरऑल अभी मैं इसको अनबॉक्स कर लेता हूँ, चलिए यहाँ से मैं इसको खोलता हूँ। तो खोलते के साथ यहाँ पे हमें मिलता है ये एक और पैकेट जिसमें पैक है ये स्ट्रिप्स लगे हुए हैं स्पीकर्स पे। चलिए मैं इन स्ट्रिप्स को निकालता हूँ और फिर हमारे स्पीकर को भी हम देख लेते हैं। ये है दोस्तों स्पीकर की पेपर कोन की डिटेल्स। बेसिकली दोस्तों, इसमें यूज में लिया है वन ऑफ द बेस्ट पेपर कोन। अब यहाँ पे आपको मालूम है क्या, ये फेटल प्रो मेड इन इटली है। अगेन, क्योंकि इनके R&D इनका हर एक प्रोडक्ट में जो भी मटेरियल यूज़ होता है वो टॉप नॉच होता है, यानी टॉप क्वालिटी का होता है। इसलिए आपको जो है वो स्पीकर्स जो है वो ऐसा लगता है कि कॉस्टली है। नहीं, वो कॉस्टली नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो इसके अंदर मटेरियल्स यूज़ करे जाते हैं उनकी जो कॉस्टिंग होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, यानी हाई क्वालिटी यूज़ करे जाते हैं। ओवरऑल ये डस्ट कैप हो जाता है इसका। पेपर वन की क्वालिटी अगेन बहुत ज़्यादा अच्छी है। आप जब इसको फील एंड टच करते हैं तो मालूम चलता है यार, ये वाकई में कुछ अलग बजेगा। इसके अलावा डस्ट का आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये बड़ी है। अगेन, क्योंकि यहाँ पे इसमें यूज़ मिलेगा 4 इंच VC यानी वॉइस कॉइल, तो जाहिर सी बात है यार, डस्ट कैप भी उसी हिसाब से लगाई गई है। 12 इंच का पूरा स्पीकर हो जाता है। तो ये है इसकी ओवरऑल कोन की डिटेल। ये है दोस्तों स्पीकर का फ्रेम डिज़ाइन। अब यहाँ पे जो कि फ्रेम डिज़ाइन है वो दोस्तों आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। ये आप देख रहे हैं इसके बीच में ये फ्रेम जो है वो आपको मैग्नेट और यहाँ तक के जो ये स्पाइडर है इसको पूरा का अंदर कवर करा हुआ है। ऐसा नहीं है कि बाकियों की तरह कि वहाँ पे जो है वो मैग्नेट बाहर से अलग से आपको दिख रहा है। तो ये जो फ्रेम है ये एक तो सेफ्टी भी दे रहा है, दूसरा यहाँ पे लुक भी इसका काफ़ी इनहेंस कर रहा है, तीसरा यहाँ पे जो इसका प्रीमियमनेस है, अगेन आप जब इतना पैसा खर्च कर रहे हैं तो देखने भी होना चाहिए यार स्पीकर कैसा है, ठीक है ना। तो ये ओवरऑल इसका फ्रेम डिज़ाइन हो जाता है, बहुत ज़्यादा अलग लुक है। इसके दोनों ये टर्मिनल सॉकेट्स हो जाते हैं जिसमें आप वायर जो है वो डाल सकते हैं इजीली। ये भी अगेन प्रीमियम क्वालिटी के देखने को मिलते हैं। यहाँ पे ये एक स्टिकर जो है वो मेंशन करा गया है, अगेन ये फेटल प्रो के लिए ओरिजिनल, आप इससे पहचान सकते हैं। इसके अलावा चलिए और भी डिटेल हम देख लेते हैं। ये है दोस्तों स्पीकर का बैक साइड। यहाँ पे अगेन आपको फेटल प्रो की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, प्रोफेशनल लाउड स्पीकर्स यहाँ पे मेंशन है, मेड इन इटली प्रोडक्ट है ये दोस्तों। 12HP 1020 जो है वो यहाँ पे मेंशन करा गया है, 1400 वाट यहाँ पे 8 ओम्स मेंशन करा गया है इसका। अगेन यहाँ पे ये कोड नंबर दिया गया है, ये एक पूरा स्टिकर है। यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन करी गई है, वाइड इफ़ रिमूव्ड वारंटी सील। तो यहाँ पे ये भी आपको दिया गया है ये स्टिकर, ठीक है ना। इसके पीछे मुझे होल अगेन देखने को मिलता है, अगेन हर स्पीकर के पीछे होता है तो वही चीज़ है। लेकिन यहाँ पे जो कि वेंटिलेशन है, अब आप इस स्पीकर में बाकी स्पीकर में देखेंगे कि यहाँ पे पीछे से कोई भी यहाँ पे आपको वेंटिलेशन नहीं देखने को मिल रहा है। अगेन यहाँ पे ये जो आपको होल्स देखने को मिल रहा है ना, ये यहाँ पे हैं दोस्तों वेंटिलेशन। मेड इन इटली प्रोडक्ट है तो क्वालिटी भी अगेन बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जैसे कि मैंने बताया ये मैग्नेट इसके अंदर चैसी के अंदर ही दी गई है, तो अब आप सोचिए कि इसको कैसे फिट करा गया होगा। अगेन पूरा का पूरा जो है वो 1x1 प्रोसेस इसके साथ में दिया गया होगा। तो ये है इसका ओवरऑल दोस्तों बैक साइड। ये है दोस्तों स्पाइडर की क्वालिटी। यहाँ पे स्पाइडर जो है बेसिकली दो स्पाइडर्स लिए गए हैं यूज़ में। पहला तो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, अब आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे ये सीढ़ी टाइप का जो है वो डिज़ाइन दिया गया है। यहाँ पे एक स्पाइडर यहाँ पे यूज़ में लिया गया है। इसके अलावा जो कि स्पाइडर कलर है वो आप देख लीजिए, यहाँ पे ब्लैक है। अगेन बहुत सारे प्रीमियम ब्रांड्स में मेरे को सेम ऐसे ही स्पाइडर्स देखने को मिलता है,
क्योंकि यहाँ पे अगेन आपको मालूम है यार, ये फेटल प्रो है, मीडियम हिटली प्रोडक्ट है, तो क्वालिटी मटेरियल्स ही इसके अंदर यूज़ में लिए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो कोन है और स्पाइडर है आप बीच में देख सकते हैं, इसमें आपको थोड़ा सा गैप देखने को मिलता है। ये बेसिकली आपको ऐसा लग रहा है यार ये गैप क्यों दिया, इसका भी एक टेक्निकल मतलब होता है, एक टेक्निकल पैरामीटर होता है, किसी दिन आप विस्तार से अगर बोलेंगे समझाने का वो भी बिल्कुल समझाएंगे। ओवरऑल ये है इसका दोस्तों स्पाइडर की क्वालिटी। तो दोस्तों कैसे लगी अनबॉक्सिंग और बाकी डिटेल्स स्पीकर की जरूर नीचे कमेंट्स बताना। अभी दोस्तों हम जान लेते हैं इसकी बाकी स्पेशल। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं इसके पावर आउटपुट की। ये दोस्तों 700 वाट का स्पीकर हो जाता है, जैसे कि आपको यहाँ पे पीछे मेंशन कर गया 1400 वाट, तो इसके ये है मैक्स पावर। यहीं पर अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों इसके अंदर वॉइस कॉल साइज, तो यहाँ पे आपको 4 इंच का वॉइस कॉल साइज देखने को मिल जाता है। सेंसिटिविटी की अगर मैं बात करूँ तो 97 dB आपको देखने को मिल जाती है। इसके अलावा अगर मैं फ्रिक्वेंसी रेंज रिस्पांस की बात करूं तो यहां पे आपके पास मिल जाता है 55 से लेके 3150 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पे ये वर्क करता है। यहीं पे अगर मैं वेट की बात करूं ओवरऑल, क्योंकि ये न्यूडिमम स्पीकर है तो लाइट वेट होने वाला है। अगेन स्पेशली ये जो स्पीकर है ये लाइनरे के लिए बनाया गया, क्योंकि वहाँ पर आपको एक लाइट वेट स्पीकर, एक आउटपुट अच्छा, और अगेन यहाँ पे ब्रांड है यार फेटल प्रो, मेड इन इटली प्रोडक्ट है, तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है मुझे। 5 kg 800 g का इसका वेट हो जाता है। ओवरऑल दोस्तों यहाँ पे पूरा जो चैसी का मटेरियल है ये एल्युमिनियम में बनाया गया है। यहीं पे अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, ये न्यूडिमियम मैग्नेट्स हो जाते हैं जो कि आपको अंदर देखने को मिलता है, ये पूरा चैसी के अंदर ही कवर रहता है। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों इसकी टेस्टिंग बाकी सारी जानकारी, तो मैं यहाँ पे अभी इसको एरे में फिट करने वाला हूँ। एक कैबिनेट हमारा एरे का, उसमें हम फिट करने वाले हैं। कैसे फिट करने वाले हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, साथ ही साथ इसके अंदर हम कौन सा HF यूज़ कर रहे हैं उसकी भी डिटेल मैं आपको देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं अब फिटिंग की। अब यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लाइनर कैबिनेट भी रखा हुआ है, स्पीकर्स भी हमारे सारे हैं। उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो कि हमारा HF है, HF हम इसके अंदर कौन सा यूज़ कर रहे हैं। तो अगेन यहाँ पे हम HF यूज़ कर रहे हैं, ये फेटल प्रो का ही, ये भी मेड इन इटली प्रोडक्ट है, इस बात का दोस्तों याद रखना है। HF 144 यहाँ पे मेंशन करा गया है, 8 ओम्स का है, 160 वाट है यहाँ पे मेंशन करा गया है। इसके अलावा यहाँ पे इंपोर्ट सेम वही है, ठीक है ना। यहाँ पे फेटल प्रो की जो है वो अगेन टेप लगी रहती है, मेड इन इटली इस पर भी मेंशन रहता है। चलिए मैं इसे खोल लेता हूँ, तो खोलते के साथ कुछ इस टाइप की है पैकिंग, जो है वो बहुत ज़्यादा प्रीमियम है। यहाँ पे ये सॉफ्ट सा जो है वो हमें ये थर्मोकॉल देखने को मिलता है। अगेन यहाँ पे ये पूरा कवर है, और ये भी एक न्यूडिमम HF है। अगेन इसका जो क्वालिटी है आपको डिफरेंस मालूम चला हुआ यहाँ से, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी लग रही है मुझे, ये प्रीमियम जो है वो इसका पूरा फील आ रहा है। ओवरऑल यहाँ पे आप देख सकते हैं फेटल प्रो अगेन आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। इसके लिए टर्मिनल सॉकेट्स हो जाते हैं। ओवरऑल ये यहाँ पे रिंग न्यूडिमम्स मैग्नेट्स लगाए गए हैं यहाँ पे हैं, ठीक है ना, ये सारे मैग्नेट्स हैं न्यूडिमम्स। और ओवरऑल अगर मैं इसका फ्लेयर की बात करूँ तो यहाँ पे ये वाला फ्लेयर हम यूज़ कर रहे हैं। इंडिया में इसको हम ज़्यादातर जो है वो मछली वाले फ्लेयर के नाम से जानते हैं, कुछ लोग इसको वेव गाइड कहते हैं, कुछ लोग इसको मछली वाले फ्लेयर के नाम से जानते हैं। तो इस पर फिट होने वाला, बेसिकली इस पर कंपलसरी नहीं कि ये लगेगा, ये लाइनरे के हिसाब से बनाया गया है, यानी लाइनरे में मेरे यही जो है वो फ्लेयर लगता है। तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग फ्लेयर इसमें अटैच कर सकते हैं, ठीक है ना। इस पर भी फॉर्म शीट दी गई है ताकि कोई भी लूजिंग रेजिंग पे वाइब्रेशन ना करे। ओवरऑल अभी मैं इसमें से इसको फ्लेयर को यहाँ पर फिट करता हूँ, जैसा कि ये यहाँ पे है, कुछ इस प्रकार से फिट होता है, ठीक है ना, यहाँ पे इस प्रकार से फिट होता है। इसमें बोल्ट्स भी आपको इसी में मिलते हैं, तो ये मैं फिट करता हूँ और उसके बाद हम देखते हैं हमारी जो कि कैबिनेट है हम इसको कैसे फिट करें स्पीकर्स को, वो सारी डिटेल्स मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं फिटिंग के लिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि कैबिनेट हम इस टाइप की यूज़ कर रहे हैं, और ये डबल बारह कैबिनेट, आप इसमें सिंगल HF डबल HF दोनों ही यूज़ में ले सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे भी हमारी कैबिनेट रखी हुई है, सब पे स्पीकर्स और इनके HF लगा दिए हैं। HF पे आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लेयर जो है वो टाइट कर चुका हूँ मैं, ठीक है ना, यहाँ पे तरीके से हम टाइट कर चुके हैं। अब रहता है सिर्फ और सिर्फ इसके कनेक्शंस के अलावा मैं एक चीज़ आपको और दिखाना चाहूँगा, वो ये है कि यहाँ पे हमने नाइट्रो प्लेट यूज़ करा है। कंपलसरी है आप हमेशा जब भी एरो को फिट करें या फिर एरो बनाएं तो नाइट्रो प्लेट आप ज़रूर लगा लीजिए, इस बात का आपको याद रखना है। क्योंकि होता क्या है कि इफ़ एनी केस कि आप क्रॉसओवर्स यूज़ नहीं करते हैं कि पीछे से एकदम एक्सट्रीमली आउटपुट आया आपके लाइनर में, तो क्या होता है कि एक तो नेटो प्लेट सेफ्टी रखता है, दूसरा जो कि स्पीकर का आउटपुट है वो उसको प्रॉपर रखता है। आप क्या कि ये
कोई ऐसा तो है नहीं कि 20 टू 20 किलो हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पर वर्क करेगा, ये टॉप का स्पीकर है, हम डबल 15 बना रहे हैं, ये लाइनर का स्पीकर है। अब लाइनर में होता क्या है कि स्पेसिफिक हमें फ्रीक्वेंसी पे वर्क करना होता है, तो उसके लिए एक नेटो प्लेट ज़रूरी होता है। अब टॉप होता है तो टॉप में तो काम चल भी जाता है, लेकिन लाइनर में आपको ये ध्यान रखना है कि हमेशा आपने एक नेटो प्लेट ज़रूर यूज़ करना है, ठीक है ना। हम जो कि अभी नेटो प्लेट यूज़ कर रहे हैं वो एक HF के लिए, दो हमारे डबल 12 स्पीकर्स के लिए जो कि हमारे फेडरल प्रो के हैं, ठीक है ना। इनके कनेक्शंस चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ पे इजी कनेक्शंस हैं, उसमें से आपका इनपुट गया है नेटो प्लेट में, ठीक है ना। और यहाँ से हर एक स्पीकर के लिए आपका आउटपुट और HF के लिए आउटपुट आपका हो जाता है, ठीक है ना। प्लस माइनस आपने देख लेना है, थोड़ा सा ध्यान से रखना है प्लस माइनस, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा होता है कि अगर आपने उल्टे कनेक्शंस कर दिए तो कहीं ना कहीं आपके स्पीकर डैमेज हो सकते हैं या फिर आपका एम्पलीफायर भी डैमेज हो सकता है। ये भी हमारा हो जाता है, ठीक है ना। इसको भी हम कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये वायर कनेक्ट हो चुका है, अब इसको हम फ्लेयर को यहाँ पे कुछ ऐसे देते हैं। इसके ऊपर एक और कवर आता है जो कि इसको यहाँ पे संभाल के रखता है। इसके अलावा यहाँ पे भी इसमें बोल्ट्स लगते हैं, वो भी हम लगाएंगे। इसके अलावा हमारा जो कि दूसरे स्पीकर का कनेक्शन है वो यहाँ पे ये हो जाता है। दूसरे स्पीकर में भी सेम वैसे ही है हमारा, प्लस माइनस थोड़ा सा आपने याद ज़रूर रखना है। तो यहाँ पे ये माइनस, यहाँ पे ये हमारा प्लस, और अगेन चेक कर लीजिए, ठीक है ना। इसको भी हम डाल देते हैं। और स्पीकर एंड HF के मैं बोल्ट्स लगाता हूँ। सबसे पहले हम अपने फ्लेयर का बोल्ट्स लगाते हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि हाँ ये कैसे फिट होता है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये फ्लेयर हमारा टाइट हो चुका है। अब इसके अलावा यहाँ पे लगता है ये हमारे गाइड्स, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पे फिट हो जाते हैं। इस वाले को भी अभी हम फिट कर लेते हैं। इसके जगह पे बहुत सारे डिज़ाइंस हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके भी होते हैं, तो आप अपने हिसाब से जो है वो इस्तेमाल में ले सकते हैं। ये कुछ इस प्रकार से जो लगता है, चलिए इन पे भी मैं बोल्ट्स लगाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे अभी जैसे कि आपने फिटिंग देखा हो, सारी जानकारी देखा, अभी एक्चुअली हुआ क्या, ये नेक्स्ट डे है। पहले दिन जो था, हम जब फिटिंग कर रहे थे, हमने सोचा कि चलिए आपको वेनसडे को वीडियो डाल देंगे, और आज थर्सडे है। बेसिकली टेस्टिंग तो मैं काफ़ी पहले से कर रहा हूँ, लेकिन 21 इंची के साथ में कर रहा था। अभी हुआ क्या कि मैंने सिंगल 18 लगाया, तो यहाँ पे कहते ना लाइनर यार ये 4 के मुकाबले 2 काम कर रहे थे। अगेन बेस उतना परफॉर्मेंस बढ़ नहीं पा रहा था, यानी बेस जो है वो कम पड़ रहा था। तो अगले दिन फिर हमने और बेस तैयार करी, 2 बेस और लगा चुके हैं। अभी ये 2 लाइनर हैं, ठीक है ना। अभी लाइनर जो है वो और बेसें जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे चल रहे हैं, ठीक है ना। 2 बेस एक चैनल पे है, 2 बेस एक चैनल पे है, ये Z7 है। एक चैनल पे 2 बेस गई हुई है, एक चैनल पे 2 बेस गई हुई है, ठीक है ना। इसके अलावा हमारा CA5 हो जाता है, इस पर हमने एक एक चैनल पे लाइनर को डाला हुआ है। अभी ये हम क्रॉसओवर यूज़ कर रहे हैं। अब क्रॉसओवर जो है वो हमारा यहाँ पे इसलिए लो का आउटपुट हमने दे रखा है, ठीक है ना, ये हो जाता है। अब यहाँ पे मिड हाई हमने दे रखा है लाइनर के लिए, यहाँ पे हमारा लाइनर का एम्प लगा हुआ है। सिंपल है, कनेक्शंस बहुत ईजी करे हुए हैं, ठीक है ना। ओवरऑल ये हो जाता है पूरा का पूरा लाइनर और ये सारी चीज़ें। चलिए अभी हम जो है वो टेस्टिंग देख लेते हैं, कैसा परफॉर्मेंस, कैसा इसका क्वालिटी। Mixed by DJ Akesh.
कैसे लेके टैसे को कैसे लगा दोस्तों का परफॉर्मेंस जरूर नीचे कमेंट्स बता रहा, दिल खुश होगा, मेरा भी हो चुका है। और वाकई में इसका जो परफॉर्मेंस, इसका जो क्वालिटी है, अगेन आप देख सकते हैं फेटल प्रो, यार नाम फेटल प्रो एक्चुअल में है। और ओवरऑल अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 12 HP 1020 हो जाता है मॉडल, 700 वाट RMS पावर है, ठीक है ना। इसका जो HF है वो अगेन आपको मिल जाता है 160, यहाँ पे मेंशन है, यानी 80 से लेके 100 वाट के बीच में उसके RMS पावर लेके जा सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंपलसरी यहाँ पे आपने नेटो प्लेट ज़रूर यूज़ करना है, क्रॉसओवर ज़रूर यूज़ करना है जब भी आप लैंडरे को इस्तेमाल करें, क्योंकि यहाँ पे जब लैंडरे आप इस्तेमाल करें, जैसे कि मैंने आपको दिखाया ना बेस, अब यहाँ पे भी बेस में एक चीज़ मैंने देखा कि ये जो लैंडरे है, अगर मैंने 4 लैंडरे भी इन बेसों पे चलाए, इन बेसों के साथ में वहाँ पे होता था कि ये बेस बिल्कुल बराबर बैठता था, लेकिन इनके साथ में सिर्फ दो पीस के साथ में ये दो बेस बराबर नहीं बैठे, इसलिए मेरे को जो साइड में ये साइड में फिर LD18 मुझे यूज़ करने पड़े, वो भी 5 इंची में, तब जाके जो कि बैलेंस था आउटपुट का वो मुझे मिल पा रहा था, या फिर आपको भी सुनाई दे रहा होगा। ओवरऑल तो ये है इसकी क्वालिटी। अगेन आप 4 के जगह अगर आप ये 2 लैनरे भी बनाते हैं पूरा स्टेज कवर हो जाएगा, यानी अगर आपके 8 का मन बना है या फिर 12 का बना है तो आप उससे थोड़ा सा कम करके भी इन पे जा सकते हैं, क्योंकि अगेन इनकी क्वालिटी यार फेटल प्रो है, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। और ओवरऑल यहाँ पे बात करते हैं अवेलेबिलिटी के लिए, तो ये कंपनी का नंबर आपको शो होगा, एरोंस इंडिया, यहाँ से जाके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल्स दे दूंगा, और पूरी कंप्लीट चाहिए कंप्लीट ले लीजिए, स्पीकर चाहिए स्पीकर ले लीजिए, HF चाहिए HF ले लीजिए, सब कुछ मिल जाएगा फेटल प्रो का। और हाँ, स्पेयर पार्ट्स भी अवेलेबल रहेंगे, तो ऐसा नहीं है कि एक बार ही बेच दिया, आप कौन
मैकॉन ऐसी वाली कहानी नहीं है। कंपनी आपको आफ्टर सेल सर्विस भी सपोर्ट करेगी। ओवरऑल दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ किसी तरह की अच्छी वीडियो में, जब तक ले जय हिंद वंदे मातरम।